जीवन रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक बात है, जो ये स्वाद की दुनिया है ना, ये बहुत ही अनोखी दुनिया है। ना इसका और है, ना इसका कोई छोर है। सच में कितने तरीके के मसाले हैं, शायद इतना जानने के बाद भी ऐसा लगता ना जाना कितना कुछ जानना बाकी है। हम किसी भी प्रदेश में चले जाएं, वहाँ के ऐसे ऐसे फूड मिलते हैं, उनकी ऐसी ऐसी गार्निशिंग मिलती है कि आपको देख के लगता है ये चीज़ भी होती है क्या। कभी कभी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी टेस्ट हमारी ज़ुबान पर बैठता भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए ना, कितनी सारी वेराइटी इस दुनिया में और वाकई में। लेकिन उन्हीं सभी वेराइटियों के बीच में एक बात है, पंजाबी खाना एक अपना अलग स्थान रखता है, जिसमें चटपटा सा तड़का हो, मसाले हो। और जब बात छिड़ती है पंजाबियों की, तो बात आती है पिंडी चना की। जी हाँ, वैसे एक बात है, खाना अच्छा होता है, लेकिन जब वो पंजाबी वो खा रहे होते हैं ना, तो उनको देख के भी ना बड़ा दिल खुश हो जाता है। कितने प्यार से खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं खाने को, वो देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अभी इंजॉय करने वाली हूँ पिंडी चना को। तो चलिए आप भी मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हम सीखने जा रहे हैं पिंडी चना। हमारी कुकरी एक्सपर्ट रेडी है। पुष्पा जी, एवन रसोई में स्वागत है आपका। थैंक यू वर्तिका। पुष्पा जी, पिंडी चना बनने जा रहा है, तो ये जो है नॉर्मली जो छोले बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके होता है। थोड़ा सा अलग हटके है, पंजाब साइड में स्ट्रीट फूड है ये। अच्छा, पिंडी चना हो, साथ में कुलचे हो, भटूरे हो। अच्छा, साथ में कटा हुआ प्याज हो, हरी मिर्च हो। हाँ। है ना, कितना मन हो रहा है ना। ठीक है पुष्पा जी, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं, पिंडी चना बनाने जा रहे हैं। तो वर्तिका, सबसे पहले हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद कुछ साबुत मसाले हैं, जैसे कि तेजपत्ता, फूल चक्री, दालचीनी, जावित्री और लौंग। अच्छा ठीक है। ये जब तड़कने लग जाए जी, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। जैसे पुष्पा जी, एक बड़ा बोल अपन लेते हैं, 250 ग्राम अपन काबुली चने हैं उनको अपन भिगोते हैं। हाँ। तो इसमें हम लहसुन कितना लें और अदरक कितना लें? इसके लिए अपने को क्या है कि जैसे कि दो बड़े साइज में प्याज ले लें, कम से कम 10 से 15 कलियां जो है लहसुन की ले लें और एक टुकड़ा अदरक का ले लें। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम तेल के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। बस एक मिनट इसको हल्का सा इस तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज का पेस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें कच्ची हैं पुष्पा जी? कच्ची हैं। तो पुष्पा, जैसे यहाँ पे प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट और खड़े गरम मसाले हैं, तो जो पेस्ट अच्छे से पक जाना चाहिए। हाँ, साथ साथ इसमें हम हरी मिर्च भी डालते हैं। अच्छा, एक चम्मच इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें इसके अंदर जो है टमाटो पेस्ट डालते हैं। अच्छा, ये भी कम से कम 3 से 4 टमाटर का पेस्ट है। अच्छा ठीक है। तो वर्तिका, ये जब तक पकता है उसके मसाले इकट्ठे कर लेते हैं और उसे पानी में घोल लेंगे। अच्छा, पानी में क्यों घोलना है, उससे कुछ होता है? अंदर अभी देखना कि मैं 2-3 बार इसमें पानी डाल डाल के पकाऊंगी तो अच्छे से पकेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें धनिया पाउडर 3 से 4 चम्मच। ठीक है। जीरा पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, ये सिका हुआ जीरा पाउडर है। सिका हुआ जीरा पाउडर है। और अब मैं ले रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला। ठीक है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया, 1/2 चम्मच। और 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर ले रही हूँ काली मिर्च। ठीक है, ये लेने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। ये मैं 1/2 चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, काली मिर्च है, तो लाल मिर्च 1/2 चम्मच। ये लेने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाले के हिसाब से हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा हमने उबालते समय भी डाला है। समय भी डाला है। अब मैं ले लूँ पुदीना पाउडर, थोड़ा सा क्रश करके पुदीना पाउडर डाल दें 1/2 चम्मच और कसूरी मेथी भी डाल दें 1 चम्मच। तो इसमें हमने 1 चम्मच पुदीना पाउडर भी लिया है और कसूरी मेथी भी लिया है, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर ऐड करी गई हैं और लाल मिर्च के साथ काली मिर्च भी है। ठीक है, अब बच्ची का लास्ट में मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। ये भी आपको खट्टा यदि ज़्यादा खाना है, बिल्कुल बैलेंस खाना है, तो 1 चम्मच बहुत है। और इसको डालने के बाद इसको मैं पानी से इसको जो है एक बैटर तैयार कर लेंगे। सारे मसालों को पानी में घोल लेंगे। ठीक है पुष्पा जी, तो देखिए बिल्कुल अलग तरीके से टमाटर भी है इसके अंदर,
खटाई के लिए, लेकिन आपने साथ साथ अमचूर पाउडर भी लिया है इसमें। और थोड़ा सा पानी में जब भी जाएगा मसाला तो थोड़ा फूल जाएगा, है ना? ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। मसाला पकता जा रहा है और जो ड्राई मसाले हैं उनको भी हमने पानी में डिप किया है, और अब क्या करना है ये देखते हैं। अब बच्चे ये एक मसाला हमने बना घोला था, इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर देती हूँ। ठीक है पुष्पा जी। हाँ, तो वर्तिका ये मैं बता रही थी, पिंडी चना का जो मेन है मसाले को भूनना। अच्छा, आप अच्छे से मसाला भूनोगे उतना हाँ? ही अच्छे बनेंगे। ओके, अब देखिए कि ये ऑयल आ जाएगा, फिर हम थोड़ा सा इसमें फिर पानी डालेंगे। इस तरीके से हम कम से कम 2 से 3 बार पानी डालेंगे। ठीक है पुष्पा, पानी डाल डाल के इसको जो है 3 से 4 बार भून लें अच्छे से। भूनने के बाद जो है इसमें हम छोले डालेंगे। तो मतलब ये जो है ग्रेवी है पानी के साथ साथ ही पकती जाएगी। तो ये जो ग्रेवी है वो पानी डालते जाएंगे, वो पानी के साथ साथ ही ये पकती जाएगी। अब यदि चाहो तो इसके अंदर अनारदाना आता है, सूखा अनारदाना, हाँ उसका भी हम पाउडर डाल सकते हैं। अब इसी समय हमको जो है हरी मिर्च में कट लगा करके आप हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, 2-3 जितनी डालनी है इस समय डाल रहे हैं। तो बच्चों का ये जो है छोले उबाल के रखे हुए हैं, इसको उबालने का तरीका क्या है, आंवला आता है, आंवले की यदि हरा आंवला है तो 2 आंवले इसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दें छोले को उबालते समय। ठीक है, यदि पाउडर है तो आप आधा चम्मच डाल दें। ठीक है, जैसा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, सुंदर सा, है ना, जैसे पिंडी चने का कलर होता है। कुछ लोग इसमें संग संग पता है चाय की पत्ती भी डाल देते हैं। हाँ, डालते हैं, लेकिन आंवला एक तो फायदा करता है। हाँ, और उसमें जो चना मसाला डलता है इसके अंदर भी आंवला पाउडर डलता है, तो उस दोनों ही काम हो जाएंगे। काम हो जाएंगे इसके अंदर। देख रही थी बच्ची का, मैंने 3-4 बार पानी डाला था। पानी डालने के बाद जो है ऑयल जो है बाहर आ गया है, इसका फैट जो है वो बाहर आ गया है। ठीक है पुष्पा जी, तो बच्ची का मसाला देख रही है कि भून चुका है। अब इसके अंदर परफेक्ट कलर है छोलों का। अब ये डालने के बाद हल्का सा इनको मसालों के साथ मैश कर। ठीक है, बस हल्का सा मैश करना है और इसको कम से कम 1 उबाल आने के बाद ढक कर 15 मिनट धीमी आंच पे पकाना है। अच्छा, जैसे एक जब उबाल आ जाए पूरा उसके अंदर, तो फिर हम इसको ढक दें लिड से। हाँ, और फ्लेम को स्लो कर दें। हाँ, और फिर उसको स्लो फ्लेम पे हम एटलीस्ट 15 मिनट्स तक इसे आप पकने दीजिएगा। ठीक है, क्या है जो हमने मसाले डाले हैं वो सारे के सारे जो है छोले के अंदर आ जाएंगे, काफ़ी टेस्टी बन जाएंगे। चलिए ठीक है पुष्पा जी, तो हम इसको ढक देते हैं। जी ना, तो ये बहुत पतले हैं, एकदम लिपटवा सी ग्रेवी होगी, तो भटूरे के साथ जब भी आप छोले खाएंगे साथ में ग्रेवी का टच फील होगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो वर्तिका इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो वर्तिका इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है पुष्पा जी, और एक हरी मिर्च से हम गार्निश कर देंगे। ठीक है, तो रेडी हो चुके हैं। तो पुष्पा जी पिंडी चना रेडी है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी हम भटूरे बनाएंगे उसके साथ टेस्ट करना। अच्छा, क्या बात है, पुष्पा जी बोल रही है भटूरे बनाऊंगी उसके साथ टेस्ट करना। बताओ टेस्ट करने से कोई काम चलेगा, इतने अच्छे पिंडी चना है, मतलब खाने से काम चले। हमने सीखा पिंडी चना, तो अब क्यों ना उसके साथ हो जाए गर्मा गर्म भटूरा, वो भी पनीर वाला। जी हाँ, चलिए आइए सीखते हैं। तो वर्तिका हम पनीर भटूरा बनाने जा रहे हैं, तो पनीर भटूरा बनाएंगे तो दूध की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने लिया दूध आधा कप, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी दही, इसको दूध को फाड़ने के लिए। हाँ, दूध को फाड़ने के लिए। तो देख लीजिए दूध और पनीर जो है, दूध फट गया है, पनीर अलग हो गया है, पानी हो गया है। बिल्कुल, पानी और वो जो पनीर है दोनों अलग हो गए हैं। अब इसको जो है मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ।
तो बर्फी के इस गर्म गर्म में ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद इसमें जितना मैदा मिक्स हो जाए, हाँ, पनीर भी और इसका पानी, हमको दोनों चीज़ें लेनी है, जितना इसके अंदर गर्म गर्म में ही मैदा मिक्स हो जाए। पुष्पा जी, इससे हम तो बहुत कम क्वांटिटी बता रहे हैं। सपोज अगर अपन घर में बनाते हैं भटूरे, तो सपोज हम आधा किलो मैदा लेते हैं, है ना, तो आधा किलो में कितना दूध और कितना दूध फड़ना होगा? एक कप दूध लेते हैं, ठीक है, दो कप मैदा डल जाएगा। अच्छा, इतना अपन अप्रोक्सीमेट मान के चले, ठीक है। पतला है तो हो सकता है मैदा थोड़ा ज्यादा, अपने को पानी नहीं लेना है। अच्छा, पानी नहीं लेना है, जितना अपने को जो है मैदा इसके अंदर मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी जो, जैसे कि हम एक कप यदि मैदा लेते हैं जी, मैं एक चम्मच जो अपने को सूजी डालना है, एक कप मैदा में एक चम्मच सूजी है और साथ में आधा कप इसमें दूध लिया है, तो ये प्रपोर्शन आप फॉलो करते रहिएगा और इस तरह से बनाइएगा। अब इसमें एक चम्मच डाल रही हूँ सूजी, ये डालने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, वरना बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, इसमें सोडा भी डालते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ छोलों को फुलाने के लिए। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लें और हाथ से जो है एक लोच लगा लें। अच्छा, लोच लगाने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे रेस्ट पे रखें, ठीक है, बाद भटूरे बनाएं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जो सब चीज़ें मिक्स करें तो पानी नहीं मिलाना है, आप याद रखिएगा। तो इतना करने के बाद आप इसको हाथ से अच्छे से लोच लगाइए और आधा घंटा रेस्ट पे रख दीजिए। वैसे देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ना इसमें बेकिंग पाउडर है, ना इसमें बेकिंग सोडा है, और जितनी जद्दोजहद होती है ना खिचड़ी छोले भटूरे बन रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक एक भटूरा फूलना चाहिए। बस हमारी पूरी कोशिश यही होती है, और भटूरा फूलना ही नहीं चाहिए, डाइनिंग टेबल तक फूला हुआ ही जाना चाहिए, है ना। बटी है, ये आटा जो है मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है, ये रेस्ट पे रखा है, ठीक है। अब इसको दो घंटे भी रख लेंगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आधा घंटा कम से कम रखना ही है, ठीक है। पुष्पा जी, घर में छोले भटूरे बनाती होंगी तो आपके हाथ के तो बहुत अच्छे बनते होंगे, है ना, सबको पसंद आते हैं। पनीर का भटूरा तो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ऐसे ही आलू का भटूरा बनता है, सादा भटूरा बनता है। तो आलू का मसाला भर देती है? हाँ, उसके अंदर जो है आलू का मसाला नहीं भरना, आलू उबले हुए लेकर के उसे ग्रेट कर ले, उसी में ही कुछ आटा जब हम लगाए तो आलू को उसी में डाल दें। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से प्लेन भटूरा बनाना चाहते हैं तो पनीर को आप दूध को हमें फाड़ना नहीं है, पनीर का बनाना चाहते हैं तो दूध को फाड़ कर बना लीजिए, आलू का है तो आलू को आप उबालिए और उसके साथ आटे के साथ ही इसको मैश कर दीजिए, उसमें मसाला डाल दीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। ऐसे मैंने बेल लिया, अब इसे हम कढ़ाई में डाल, वाह क्या बात है, क्या भटूरा फूल गया और एकदम वाइट भी बना है ना। तो पुष्पा जी, जैसे मैं देख रही हूँ आपको कि आपने जैसे पहले भटूरा बेला, बेलने के बाद आप उसको हथेली से ही, और जैसे कि अपन रुमाली रोटियों करते हैं इस तरह से कर रही हैं, तो इससे कुछ होता है? इससे क्या है, एक तो इसमें थोड़ा सा पतलापन आ जाएगा। अच्छा, बेलते हैं ना, बेलते हाँ। समय क्या होता है, मैदा जो है इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। और ये एकदम गर्मा गर्म करारा सा भटूरा, तो बट्टी का तैयार हो गया अब कंप्लीट छोले भटूरे। क्या बात है, और साथ में इसमें अदरक के जूलियंस हैं, नींबू आपने दिया है, हरी मिर्च का एक बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। जब भूला हुआ भटूरा तो कभी उसमें फिंगर मत डालना वरना बहुत जोर से जल जाएगी, सिर्फ भटूरे का स्वाद लेना। वाह, मुझे पता है सच में आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हैं, रेसिपी हमने आपको सिखा दी है, घर में बना सकते हैं। तो वाह, और ये छोले और ये ऐसे डिप होके, तो ये जब भी घर में कुछ मेहमान आ रहे हो या फिर कुछ आपको कुछ अच्छा बनाना हो तब पिंडी छोला। और साथ में ग्रीन चिलीज, वाओ, माउथ वाटरिंग, मज़ा आ गया। पुष्पा जी, सीरियसली बहुत मज़ा आया,
तो आप भी अपने घर में बनाइए, ये पिंडी चना है, साथ में भटूरा पनीर वाला बनाइएगा, एक तो बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत टेस्टी बना है। तो जल्दी से की कुछ बातें हैं उन्हें आप नोट करिए, और हाँ ग्रेवी को अच्छे से पकाइएगा। पुष्पा जी थैंक यू सो मच, एक तो आपने एवन रसोई को समय दिया, और साथ में है ना ये छोला है या चाहे हम पिंडी चना बोले इसको, छोले बोले, छोले भटूरे, बहुत कॉमन सी रेसिपी है जो कि अमूमन घरों में बनती रहती है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती कभी कभी जो बात हमें चाहिए होती है। तो ये कि व्यूअर्स ने कुछ बातों को सीखा होगा, तो नेक्स्ट टाइम उनके जो छोले पिंडी चना है, छोले भटूरे हैं, वो अच्छे बनेंगे। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू। तो भाई कहीं का भी फूड हो, कोई से प्रदेश का हो, लेकिन उसमें स्वाद अगर हो तो मज़ा आ जाता है। और ऐसे ही बने हैं हमारे आज के A1 रसोई के ये पिंडी चना और खास पनीर वाला भटूरा। तो आप भी इन्हें बनाइएगा, खाइएगा, सबको खिलाइएगा, खुश रहिएगा। और बहुत मुश्किल है सबको खुश रखना, मगर कोशिश करते रहिएगा। नमस्ते।